नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एपिस मेलिफिका के बारे में, जो कि हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर सोत हो, सूजन हो, तो उसकी एक बहुत ही कारगर दवा है। या बी स्टिंग, चाहे इंसेक्ट्स बाइट्स हो दोस्तों, उसकी एक बहुत अच्छी दवा है। या ऑप्थेल्मिया की बहुत अच्छी दवा है। या आपके पलक का जो सूजन होता है उसकी एक बहुत अच्छी दवा है। या किडनी के सूजन में यह बहुत ही लाभकारी दवा है। दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से एपिस मेलिफिका को। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एपिस मेलिफिका दो लैटिन शब्दों से बना है। एपिस का मतलब होता है बी, मक्खी दोस्तों, और मेलिफेरा भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हनी बियरिंग, मतलब मधुमक्खी, शहद की जो मक्खी होती है दोस्तों। शहद की मक्खी के डंक से बनता है एपिस मेलिफिका, जो कि एक बहुत ही कारगर दवा है होम्योपैथी में बहुत सारे लक्षणों में। आइए जानते हैं उसके लक्षण को। सबसे पहले दोस्तों, माइंड सिम्टम्स में आप देखेंगे कि रोगी एपैथी एंड इनडिफरेंस दोस्तों, दुखी रहता है और दुनिया से बेखबर लोग रहते हैं। उनके हाथों से सामान गिर जाया करता है, चीज़ें गिर जाया करती है और उन्हें अनुभव भी नहीं होता है दोस्तों। वो एक चीज़ पर अच्छी तरह से सोच नहीं सकते हैं, जो इनडिफरेंस का है, जो कंसंट्रेशन की कमी रहती है ऐसे व्यक्तियों में। अगला लक्षण इसका दोस्तों हम लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है सूजन दोस्तों। किसी भी अंग में सूजन हो, सोत हो, उसकी यह एक बेहद ही कारगर दवा है। एपिस जो है दोस्तों, एक्ट्स ऑन सेलुलर टिश्यू काउजिंग ऑयडमा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दवा ऑयडमा ऑफ स्किन में सूजन पैदा कर देता है। ये सेलुलर टिश्यू पर काम करके यह दोस्तों उसमें सूजन पैदा करता है। जहाँ जहाँ पर भी सेल्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है। इस तरह का लक्षण दोस्तों एपिस में देखने को मिलता है। इस पर हम मुख्य रूप से जानते हैं किडनी पर इसका प्रभाव। दोस्तों, गुर्दे पर जो इसका प्रभाव है, वहाँ आप देखेंगे कि किडनी में सोत हो जाता है और इसका जो जहाँ जहाँ दोस्तों इसका सेल्स होता है वहाँ वहाँ पानी भर जाता है। इस तरह का जो एपिस का लक्षण है उसमें यह बहुत ही कारगर है। डॉक्टर विलियम बोरिक साहब अपने मेट्रिया मेडिका में लिखते हैं कि एक्यूट किडनी इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज एंड पैरेन्चाइमेटस टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एपिस। एपिस का ये लक्षण है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी होता है, जो किडनी का प्रथम अवस्था की जो सूजन होती है, जो सोत हो जाता है, उसमें एपिस बहुत ही कारगर है दोस्तों। इसका अगला लक्षण आई सिम्टम्स हम लेते हैं। आँख में जो निचली पलक है, निचली पलक में दोस्तों अगर सूजन हो तो एपिस उसे ठीक कर देता है। आप देखेंगे कि कई दफ़ा आपकी आँखों में आपके पलक इतने सूज जाते हैं कि आपकी आँखें बंद हो जाती हैं दोस्तों। इस तरह का अगर सूजन आपके निचले पलक में अगर सूजन आपको देखने को मिले तो दोस्तों एपिस उसे ठीक कर देता है। और अगर ऊपरी पलक में अगर आपको सूजन देखने को मिले तो उसे कैलीकार्ब ठीक करता है। तो दोस्तों, इसका अगला लक्षण आँख पर ही लेते हैं, ऑप्थेल्मिया के केसेस में, जिसे हम लोग चक्षु पर्दा कहते हैं। कॉमन शब्दों में हम जिसे आँख आना कहते हैं, उसके लिए भी यह एक बेहद ही कारगर दवा है एपिस मेलिफिका। यहाँ पर दोस्तों आप आँख आने के संबंध में हाई पोटेंसी में आप कम से कम एपिस मेल 1 mg आप ले सकते हैं। 5 बूंद एक बार आप लें दिन भर में तो आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला इसका लक्षण जो है वो है दोस्तों, शहद की मक्खी के डंक मारने जैसा जो दर्द होता है और जो जलन होता है दोस्तों। इस तरह का जो दर्द और चुभन, जिन्हें मधुमक्खी ने काटा होगा उन्हें ये जरूर अनुभव होगा कि मधुमक्खी के काटने का जो चुभन होता है वो कैसा होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि डंक चुभने जैसा दर्द, जलन और ठंडक से आराम दोस्तों, कोई भी रोग हो, चाहे वह मिजल्स हो, चाहे वह आर्टिकेरिया जैसे लक्षण हो, चाहे चेचक हो, चाहे कार्बनकल हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे दोस्तों डिम्बकोश की सूजन क्यों ना हो, अगर वहाँ पर सूजन के साथ साथ दर्द हो, जलन हो और ठंडक से आराम पहुँचे तो एपिस मेल उसकी एक बेहद ही कारगर दवा है दोस्तों। इसका अगला लक्षण है स्किन सिम्टम्स। स्किन पर आप देखेंगे कि रैशेस बन जाते हैं। आप देख, जब आप अपने उंगलियों को स्किन पर फेरेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी
फुंसियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे हम लोग रेसेस करते हैं, ये एपिस मेल का लक्षण है। और कई दफ़ा दोस्तों फुंसियों के बाद से गांठ जैसे आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह का जो लक्षण है वो एपिस का लक्षण है। और दोस्तों स्किन सिम्टम्स में एपिस का एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है पिट्टी उछलने जैसे लक्षण में, आर्टिकेरिया जैसे लक्षण में त्वचा पर लाल लाल चकते हो जाएंगे। इस तरह का जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, लाल लाल चकते हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ इचिंग होती है, बहुत तेज़ नोचनी होती है, और दोस्तों खुजली करने के बाद उस जगह पर आप देखेंगे कि चकत्ते बन जाते हैं, वहाँ पर ददोड़े बन जाते हैं, और वहाँ पर जो चर्म होता है वो सूज जाती है। जो इस तरह का सूजन आपको देखने को मिलेगा अर्टिकेरिया जैसे लक्षण में, वहाँ पर एपिस दोस्तों बहुत ही अच्छा लाभ करता है। अगला लक्षण इसका दोस्तों है प्यास न होना, ये पिकुलियर सिम्टम्स है। इस दवा की कुछ खास लक्षण है दोस्तों, जिसे हम लोग होम्योपैथी में विलक्षण लक्षण कहते हैं, उसमें ये दवा बहुत ही कारगर है। उन विलक्षण लक्षणों को आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शोथ की बीमारी में एपिस में प्यास नहीं होता है। दोस्तों आपको शोथ है, सूजन है और जलन है, जलन हो और प्यास न हो, ये विलक्षण लक्षण है, ये पिकुलियर सिम्टम्स है एपिस का। दूसरा इसका दोस्तों जो विलक्षण लक्षण है वो है फीवर के केसेस में। फीवर में आप देखेंगे कि फीवर के शीत अवस्था में भी रोगी कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता है। आप शीत अवस्था में अक्सर लोग कपड़े से अपने आप को ढकते हैं, वो ढकना पसंद नहीं करेंगे, और दोस्तों शीत अवस्था में उनको प्यास लगती है। इस तरह का पिकुलियर सिम्टम्स जो है दोस्तों वो एपिस का लक्षण है। बुखार की कोई भी बुखार हो, अगर इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिले कि शीत अवस्था में प्यास है और रोगी कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता है, कपड़ा ढकना पसंद नहीं करता है, अपने आप को चादर से ओढ़ना पसंद नहीं करता है, तो दोस्तों एपिस उसे ठीक कर देगा। इसमें फीवर के केस में एक और बात है कि फीवर जो है दोपहर 3 बजे को तेज हो जाता है। इस तरह का लक्षण आपको देखने को एपिस में ही मिलता है। 3 बजे का फीवर अगर बढ़े तो वह एपिस मेल उसे ठीक कर देगा। दोस्तों इसमें अब अगला लक्षण हम लेते हैं, वो है मेंटल सिम्टम्स। एक है कि मानसिक आघात से दोस्तों जो है उत्पन्न रोग, आप कई बार देखते हैं भय, क्रोध, झुंझलाहट के कारण, और कई बार जो है दुखद समाचार सुनने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उससे जो हमारे मेंटल पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे मानसिक रूप से जो वो हमारे अंदर विकृतियां पैदा करती है दोस्तों, वह एपिस मेल ठीक करता है। और कई दफ़ा आप देखेंगे कि बेहद दुखद समाचार सुनने के बाद रोगी को पक्षाघात जैसे लक्षण भी हो जाते हैं, इसमें भी एपिस मेल बहुत ही कारगर है। दोस्तों अगला लक्षण इसका फीमेल सिम्टम्स लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद उनमें एबॉर्शन का जो केस देखने को मिलता है, पहले दूसरे और तीसरे माह के गर्भ के बाद उनको गर्भपात की जो आशंका होती है, ऐसे में ये दवा बहुत ही कारगर है। दोस्तों यहाँ पर गर्भपात की जो बात है वह गर्भाशय की कमजोरी के कारण भी हो सकता है, महिलाओं की शारीरिक कमजोरी के कारण भी हो सकता है। इस तरह का जो गर्भपात होगा उसमें एपिस मेल बहुत ही कारगर है। दोस्तों इसका अगला एक अन्य लक्षण जो है दोस्तों, वो एक है कि नवजात शिशु के मूत्र रुकने में जिस तरह का एकोनाइट काम करता है, उसी तरह से एपिस भी बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोज को। एपिस मेलिफिका 30 आप 5-5 बूंद 3 बार लेंगे, 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात। एपिस मेल 200 आप 5 बूंद सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, और एपिस मेल दोस्तों आप 1 mg 5 बूंद 1 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस दवा के बारे में, और यह दवा हॉट प्रकृति के लिए है, मतलब गर्म प्रकृति के रोगी के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।